être corrigé, si ma règle. Si ma règle, ça va le look d'or. Action. Okay.
रंग पकड़ना सिमर बैठ जाना ऑलरेडी एक बार आना लास्ट मार दो प्रेम प्रेम गिरे प्रेम यहाँ आना एक बार क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ी चोट लगी मुझे। क्या लगा बेटा? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो इतना तो बता ही सकता है कि सब क्या चल रहा है। अचानक सिमर को छोड़ने का छोड़ने खुशी सामने देखो यार, बात बात में कर लेना ना। देख खुशी रोज अरे तो बे राय करने तो ले सबके राय करने पापा थोड़ा सा राय करने बस ओके रोलिंग रोलिंग एक्शन। मत बता क्या लगा है, इतना तो बता ही सकते हैं ना कि गड़बड़ क्या है। अचानक सिमर को छोड़ने का ख्याल कैसे आया तेरे मन में? सिमर सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है, इस घर की आत्मा है वो। उसने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक तुझे इस देविका के साथ शादी करने का सूझ गया? और कैसी गिरी हुई बातें कर रहा है यार ये। श्राद्ध प्रेम, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलेगा कुछ? देख मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या है हमें बता, हम सब मिलके उसका सलूशन निकालेंगे। बता बात क्या है प्रेम, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? पापा आ जा। चुप मत रह प्रेम, हम सबको पूरा पूरा हक है ये जानने का कि तुमने ये फैसला क्यों किया। किसी को मैं कोई हक नहीं देता और मैं किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगा। और आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब माता जी ने इस फैसले को अपनी जब माता जी ने इस फैसले को मेरी खुशी मानकर अपना लिया है तो आप लोग क्यों नहीं अपना लेते? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ना तू ऐसा करेगा ना हम तुझे करने देंगे। ठीक है, या तो आज सिमर का जीते जी श्राद्ध होगा या फिर मेरी मौत। नहीं खुशी, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने हमारी शादी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देविका, शादी की तैयारी करो, मैं रेडी होकर आता हूँ। Rolling. Rolling. करुणा चाची, करुणा चाची, बैठो। रोलिंग, वाले, रोलिंग। सिर्फ इधर आना ना, हाथ पकड़ने पर छोड़ दो। इधर आके हाथ पकड़ना है। इधर क्यों? हाँ बस। रोलिंग,
पापा थोड़ा पीछे बस तो ले एक्शन प्रेम क्या हुआ कुछ नहीं वो थोड़ी चोट लगी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ प्रेम थोड़ा लोग चीज पर उनको सिद्ध हूँ मैं सुन हाँ ये बस तो ले थोड़ा सा आगे प्रेम बस तो ले एक्शन देखा क्या चोट लगी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ ठीक है मत बता पर इतना तो बता सकता है ना कि प्रॉब्लम क्या है तू सिमर को छोड़ना क्यों चाहता है देविका से शादी क्यों करना चाहता है बिगाड़ा क्या है सिमर ने तेरा तू अच्छी तरह से जानता है कि सिमर सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है इस घर की आत्मा भी है बोला बोला सब बोल फिर हुआ क्या अचानक हो गया सबने बोल दिया पापा आ जाओ निकल जाओ तुम्हें बताना पड़ेगा प्रेम बोलो चुप मत रहो ये हमारा हक है मैं किसी को कोई हक नहीं देता और मैं किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है माता जी ने इस फैसले को मेरी खुशी मानकर अपना लिया तो आप लोग भी अपना लेते ठीक है या तो आज सिमर का जीते जी श्राद्ध होगा या फिर मेरी मौत प्रेम भैया नहीं खुशी एक सेकेंड कुछ बोलने के पहले रुक जाओ एक्शन ठीक है या तो आज सिमर का जीते जी श्राद्ध होगा या फिर मेरी मौत प्रेम भैया नहीं खुशी बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर किसी ने हमारी शादी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगा देविका श्राद्ध की तैयारी करो तैयार ओके आप किस ऊपर आए हैं रोलिंग रोलिंग एक्शन संभालो प्रेम तुम्हारे साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकता देखना सिद्धांत रोकेगा उसे और हम सब है ना तुम्हारे साथ ने कहा प्रेम बताओ क्या हुआ है क्यों ऐसा कर रहे हो चुप रहने से काम नहीं चलेगा बोलो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कुछ जवाब नहीं दे रहा है आशिन देखिए कुछ नहीं बोले पापा चल के वहाँ से आ गए हैं तुम्हें बताने होगा प्रेम ये हमारा हक है बोलते तो मैं किसी हक को नहीं मानता और मैं ना किसी को बताऊंगा कि किस लिए कर रहा हूँ ये मेरा निजी मामला है लेकिन आप जब माता जी मान गई हैं तो आप लोग क्यों नहीं मानते हो तो सिद्धांत बोलता है ये गलत है ना मानेंगे तुझे करने देंगे तो ठीक है अगर आप मुझे करने नहीं दे सकते तो मैं खुद की जान ले लूंगा प्रेम कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर किसी को मेरे बीच में आए तो मैं अपनी सच में जान ले लूंगा कह रहा हूं मैं देविका तैयार करो अपनी ओके तो अपने सिमर है क्योंकि